है मेरे मनहूस दोस्तों, ये खबर पक्की है या तुम हमारी कब्र बनवाना चाहते हो यहाँ पे? खबर बिल्कुल पक्की है शकील भाई, इतनी भी पक्की नहीं है। मुझे उसकी खुशबू आ रही है। अरे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है तू, परसों से कह रहा था कि नजला है, कहाँ से सूंघ लिया आज? इंतजार तो मैं कर रहा हूँ पिछले 3 घंटे से एक टांग पे खड़े होकर। हाँ यार 3 घंटे से खड़ा भाई। ये एक मिनट, ये हो क्या रहा है यार है? ये मुंह मारना चाहते हो, सूंघना चाहते हो, ये अपने तीसरी मतलब एक टांग पे खड़ा हुआ है यार। मैं हाँ कहाँ गया हूँ यार? इंसानों में नया नया लग रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा तो खंबा देख के मूड बन जाता है। नहीं कर पे, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे। मुझे नहीं आ रही है अब यार। मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। मुझे किसी की आवाज आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। हेलो हेलो, क्या बात है, आज आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, अपनी सीट पे नहीं बैठे? अच्छा अच्छा, मेरे स्वागत की तैयारी में। हाँ नहीं एक्चुअली, किंतु परंतु वो क्या है कि हमें पता चला था कि तुमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है, तो हम ये देखना चाहते थे कि क्या आप तुम देखने के लायक हो या मतलब वैसी हो। वैसी वैसी जैसी थी। तो वही मिसाल हो गई, खोदा पहाड़ निकला चुईया, वो भी मरी हुई। अच्छा ओके ओके, तो मुझे बताइए आप यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हैं, क्या हुआ? दरअसल ईद की नमाज पढ़ के लोग निकलेंगे तो उनकी जेबें काटनी है, मतलब गले मिलना उनसे। हाँ, तो तेरे से मिल लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, टुडे इज बकरी ईद, ओके चलो ना बकरा बकरी खेलते हैं। बकरा उसको बनना पड़ेगा। ए, रेवा दो भाई, आ तुम्हारे साथ गरबा रो है, गरबा रो। चलो आज करवा चौथ है तो चलो इन सांड को छोड़ो, मैं तुम्हें चांद दिखा कर लाता हूं। नहीं, प्लीज, थैंक यू सो मच। मैं समझ गई। हाँ जी, क्योंकि दिवाली का माहौल है और आज हमारे शो पे फेस्टिवल स्पेशल है, इसलिए आप अलग अलग फेस्टिवल्स के बहाने मुझ पे चांस मारना चाहते हैं। नटकट, वेरी नॉटी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी आप सभी के साथ एक फेस्टिवल शेयर करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। यू गाइज आर रेडी? तो बहुत प्यार से मैं आप सभी के साथ मनाना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। आई वांट टू बी सरप्राइज्ड। रक्षाबंधन। अरे रक्षाबंधन, मुझे पता ही था ये फेस्टिवल आप लोग मेरे साथ बिल्कुल नहीं मनाओगे। कोई बात नहीं, वेलकम टू बिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर। प्लीज वेलकम अर्चना पुरन सिंह और शेखर सुमन। आज कांटे की टक्कर में हम आपको कई त्योहारों के नए रंग दिखाएंगे। बकरा काशिफ बेचने की कोशिश कर रहे हैं अली बकरीद पर, पर ये बकरा है कि कहीं टिकता ही नहीं। प्लीज वेलकम अली एंड काशिफ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इस ईद में सारे बकरे बिक गए। अब घर वालों के साथ मिलकर धमाल से बकरी ईद मनाऊंगा मैं। बस काशिफ मियां आ जाए, वरना मुझे घर कौन ले जाएगा भाई? मुझे घर कौन ले जाएगा? मैं। अरे या अल्लाह, ईद के दिन 3 बार तुझे बेचा हूं मैं, 3 बार, मगर तू है कि जान छुड़ा के आ जाता है भाई। अबे जान छुड़ा के नहीं, जान बचा के बोलो, पता नहीं किस किस को बेच देता है। ये भी तो पता पब्लिक को कि मुझे किस किस को बेचा है। सबसे पहले इसने मुझे बेचा परफेक्शनिस्ट को। हाय मैं तंदुरुस्त बकरा लग रहा है। एक्चुअली तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूना। मैं हूना, समझ गया। शाहरुख। काम कर, मुझे जल्दी से काट, आज कुर्बानी के दिन है, आज काट डाल मुझे यार बस। खेल तो अभी शुरू होगा यार, दरअसल मुझे तुम में एक टैलेंट दिख रहा है यार, टैलेंट। मैं तुमसे वो काम लूंगा जो आज तक किसी ने नहीं लिया है। फिल्म लूंगा। अबे जो लेना है यहीं पे ले ले यार।
दिल कलेजी मगज गुर्दे फेफड़े यहीं पे ले ले। अरे बावले फिल्म में मत लेना। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ यार, एक्टिंग की बात। दरअसल क्या है, तुम एक स्पेशल बकरे हो, स्पेशल बकरे। एंड प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू ऑल, एवरी बकरा इज अ स्पेशल बकरा। लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैं भी ऐसे बकरे ढूंढता हूँ जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है। ताकि मैं उन्हें एक्टिंग सिखा सकूं, एक्टिंग सिखा सकूं। अबे लेकिन क्या तुम मुझे सिखा दोगे एक्टिंग? अरे बावले, बकरे को एक्टिंग सिखाना कौन सा मुश्किल काम है यार, जब मैं डायरेक्टर को डायरेक्शन सिखा सकता हूँ तो। ओहो, ओकरी, ये क्या बोल दिया मैंने? ये प्लीज कट कर देना, कट कर देना, कट कर देना। बे भाई, इतने काम कराएगा तो एक काम कर, पहले मुझे चारा तो खिला दे यार। अच्छा कहा तुमने यार, मेरी फिल्म का नाम भी है चारे जमीन पर। और इसके लिए मुझे ऑस्कर जरूर मिलेगा। अबे ऑस्कर की तू बस आस कर और मुझे माफ कर, बस जल्दी से काट डाल, काट डाल। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यही खड़े रहना। मैं हाँ वहाँ से 93 डिग्री नॉर्थ की तरफ से एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर भाग आऊंगा और ये सल्ला तुम्हारे गले पे फिर आऊंगा। जैसे ही तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी, तुम सिर्फ दो वर्ड कहोगे, मैं ओके। एक बात बता, तू एक्शन पे कट करेगा या कट पे कट करेगा? एक्चुअली क्या है ना, मैं उत्तरी, तूने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। लेट मी थिंक। अबे ये कंफ्यूज हो गया यार, ये तो 150 टेके लेगा। तो एक काम कर, तू छुरी जमीन पे रख दे, मैं उसमें खुद ही गिर जाता हूं। छुरी जमीन पे, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिल्म का टाइटल चेंज हो जाएगा, स्टोरी चेंज हो जाएगी, डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, उत्तरी असिस्टेंट डायरेक्टर भी चेंज हो जाएगी। अब नहीं 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 नहीं, अबे अभी पकाएगा क्या? काटने के बाद पका लियो। तो बस छुरी जमीन पर रख और मुझे काट, बस काट। मैं गिरता हूँ उस पे, गिरता हूँ छुरी जमीन पर। तुम नहीं गिरोगे, तुम नहीं गिरोगे, तुम नहीं गिरोगे। अगर ये गिर गया तो सारी सिंपैथी ये ले जाएगा, क्लैप भी ये ले जाएगा। नहीं तुम नहीं गिरोगे, तुम नहीं गिरोगे, मैं तुम्हें गिरूंगा। अरे नहीं, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा। उत्तरी तेरी तो नकली है, सिंह असली सिंह कहाँ है? वो मैंने किंग को दे दी, किंग खान को। किंग खान, इसका मतलब इससे पहले तो किंग के पास भी गया था, अब तो तेरी कुर्बानी हो ही नहीं सकती यार। ये बता उधर हुआ क्या, बोलना बोलना बोलना। ये सिंह दो, ये ले। जब बकरा किंग के पास पहुंचा तो किंग उसे देखते ही बोला, तू मेरी उतार आया, तू मेरी उतार आया, नहीं तू मेरी उतार आया। बकरा हूँ, समझ गया मैं, वही घटिया जोक मारेगा ना तू। चल तैयार हो जा आईपीएल के लिए, हम साथ में क्रिकेट खेलेंगे। मैं बली का बकरा हूँ, मुझे बल्ले का बकरा मत बना। ये मत भूल, ये मत भूल, मैंने 2 लाख की बोली देके तुझे खरीदा यहाँ। वो क्या है, तुम्हारे 4 पैर है ना, 4 पैर। इसीलिए तुम 5वीं पास से ज्यादा तेज दौड़ोगे। और तो और, मैं तुमसे बैटिंग नहीं कराऊंगा, बैटिंग नहीं, क्योंकि LBW होने के डबल चांसेस है। आई एम द बेस्ट। तुम फील्डिंग करोगे? अबे ऐसी फील्डिंग करूंगा, पूरे एडन गार्डन की घास खा लूंगा, फिर पता चलेगा तुझे। फील्डिंग कराएगा? अरे ऐसे तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा यार। नहीं नहीं नहीं, तुम फील्डिंग करोगे, फील्डिंग करोगे। अबे तो किंग बनना चाहते है ना? हाँ। तो मैं तुझे एक आसान तरकीब बताता हूँ। अच्छा बताओ। ये सींग ले तू। हाँ। बस इसे लगा ले। हाँ। और किंग बन जा, क्योंकि अब सींग ही किंग है। क्योंकि मैं एक खानदानी बकरा हूँ, इसलिए मुझे इस बार भी एक और खान के हाथ भेज दिया गया। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। मरहबा जानशी, चलो तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए नहीं, कुर्बानी के रीमेक के लिए। मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर दिया है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे मैं बकरी नहीं हूँ, बकरा हूँ। अच्छा जो भी हो, मैं तुम्हें ऐसे एंगल से शूट करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरी हीरोइन बनोगी। हाँ हीरोइन, चलो। लेकिन मुझे कोई डैशिंग, स्मार्ट और खूबसूरत और नौजवान हीरो चाहिए। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं बन जाता हूँ तुम्हारा हीरो।
हाँ बीबी, कॉमेडी सर्कस में कुछ छिछोरों ने मेरी अच्छी मिमिक्री की है, इसीलिए लोग समझते हैं कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन मैं आपकी फिल्मों में काम नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी फिल्मों में गोश्त की नुमाइश बहुत होती है और मैं जीते जी अपने गोश्त की नुमाइश होती नहीं देख सकता। तो मैं काम करो, मुझे काट दो, काट दो, काट दो। As you wish, baby. As you wish. Eid Mubarak to you all and to you too. हबा। उसने मुझे काटा और मैंने मारी उसे एक टक्कर। इस तरह उसे कांटे की टक्कर हमेशा याद रहेगी। शेखर जी, इन पूरंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आई हैव टू स्टैंड अप फॉर यू। सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। जियो जियो। अरे तुम यार, कमाल किया तुमने अली, कितना बढ़िया किया है तुमने। और क्या कहें इनके बारे में, मतलब कितनी ब्रिलियंट लाइन्स है पूरे एक्ट में। अभी क्यों पका रहे हो, काटने के बाद पका लेना। एक्शन पे कट करोगे या कट पे कट करोगे, या मैं नीचे गिर जाता हूँ, मैं खुद ही गिर जाता हूँ, नहीं तुम गिरोगे तो तुम सारा क्लैप्स ले जाओगे। तुम इट्स फिल्ड विद दैट, अमेजिंग। थैंक यू। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ परफेक्ट एक्ट, 100/100 फॉर द राइटिंग, 100/100 फॉर द एग्जीक्यूशन, 100/100 for the characterization, for the attitude, for the punchline, the humor, everything was perfect. Yeah, perfect. Thank you. Perfect. Thank you. You have gone far beyond 10. All you right. Have gone far beyond 10. 10 points. From both the judges. Congratulations. Thank you so much. 10 Downing Street. Yeah. Mind blowing. Wow. Navratra aur Dashera ke mauke par Katrina Bollywood VIP se डांडिया सीखने आई हैं। अब देखते हैं कौन सा एक्टर कौन से पटाखे फोड़ता है। प्लीज वेलकम लास्ट वीक की टॉप स्कोरर जोड़ी स्वप्निल एंड वीआईपी। Oh my God, what an atmosphere! क्या atmosphere है नवरात्रि में? यहाँ तो सब film stars के हाथ में डांडिया है। और मेरे हाथ में भी डांडिया है, मैं भी डांडिया सीखूंगी। लेकिन मुझे तो डांडिया खेलना नहीं आता, मुझे डांडिया कौन सिखाएगा? देव साहब! Yes! Hello, देव साहब! Hello! देव साहब, आप थोड़ा कम हेलो। देव साहब, आप मुझे डांडिया खेलना सिखाएंगे? Of course! बजाओ। हिल क्यों रही हो तुम, सीधे क्यों खड़ी नहीं रहती? ओहो, मैं तो सीधी खड़ी हूँ, आप हिल रहे हो, एनर्जेटिक ओल्ड मैन। मैं ओल्ड? तू ऑल, तेरा बॉयफ्रेंड ऑल, तेरा खानदान ऑल, अभी तो मैं जवान हूँ। बैक अप। ओ गॉड, इस ओल्ड इस गोल्ड से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे तो चाहिए कोई यंग इन बोल्ड, जो कर सके मुझे होल्ड। अभी परेशान लग रहे हैं आप? हूँ, लेकिन अगर आप टेलीब्रांड का कोई प्रोडक्ट बेचने आए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कमाल कर दिया, मैं तो आपको डांडा सिखाने के लिए आया हूँ। ओह रियली रियली, एक्सक्यूज मी, आप रणबीर कपूर के चाचा हैं ना? सही पहचाना तुमने। ओके ओके, आप मुझे डांडा सिखा सकते हैं? मैंने तो अच्छी अच्छी हीरोइन को सिखाया, तो तुम क्या चीज हो? ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो। एक मिनट, बजाओ। Ha 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 ha!
Oh God, इन छोटे-छोटे स्टार से मेरा कुछ नहीं होगा. I need a big star. I need a jubilee star. I need a silver jubilee star. Yeah, right. I need Rajendra Kumar. Sir, hello. Hello. जी नमस्ते. सर आप मुझे डांडिया सिखाएंगे? मैं तो क्या, सारा हिंदुस्तान आपको सिखाने पे तुला हुआ है. लेकिन आप अभी सीखने तैयार नहीं है. नहीं मैं सिखाऊंगा. जी तुम तैयार हो? I'm ready. बजाओ बजाओ. मेरा डांडिया गिरा दिया. Oh my God, अब मुझे डांडिया खेलना कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा तुम्हें डांडिया कैसे खेलते हैं. What a funny guy. देखिए मेरे पास तो सिर्फ डांडिया नहीं है, लेकिन आपके पास तो डांडिया भी नहीं है और हाथ भी नहीं है. आप मुझे कैसे सिखाएंगे? एक्सप्रेशन से सिखाऊंगा. एक्सप्रेशन से सिखाऊंगा. नो 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 नो, गो 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 गो. आप मुझे डांडिया नहीं सिखा सकते. और मैं ऐसा कोई भी काम करूंगी नहीं जिंदगी में जिसमें मुझे एक्सप्रेशन देने पड़ेंगे. मैं तो ऐसी फिल्में भी नहीं करूंगी. आई हेट एक्सप्रेशन. यू नो वॉट, ऑन सेकेंड थॉट मैंने डिसाइड किया कि मैं डांडिया ही नहीं खेलूंगी, क्योंकि नो डांस नो एक्सप्रेशन. मैं सीधा दशहरे के दिन पटाखे जलाऊंगी, रावण को जलाऊंगी. वॉट गुड फन, नो प्रॉब्लम. दशहरा दशहरा. हेलो बेबी. अरे क्या कर रही हो, बच्चे की जान लगे पब्लिक के सामने गले मिल रही हो. मेरा तो ट्विंकल ट्विंकल स्टार देगा, तुम्हारा दस्तक दम निकल जाएगा. बच्चे की जान ले रही हो, कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम. सॉरी 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 सॉरी. आखिर तुम पटाखे लाए हो? ये देख रही हो सारे फिल्मी पटाखे, फिल्मी पटाखे. ये क्या है, ये क्या है? ये अमोल पालेकर पटाखा है, फोड़ के देख ले. आग लगा लगा. ये तो फुसकी बम निकला. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दूसरा बम अपने पास. अब ना मुझे कोई बड़ा 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 पटाखा चाहिए. आई नीड लॉट ऑफ नॉइज, आई नीड लॉट ऑफ लाइटनिंग, अ लॉट ऑफ क्रैकर्स, आई नीड बिग नॉइज. ये नाना पटे की लड़ी हजार की लड़ी. इसे लेटाओ फिर फोड़ो. ए ले फोड़ फोड़ फोड़. सुनो सुनो, सन की पटाखा है, समझ के फोड़ियो. ओके ओके. ये बड़ा वाला बॉम्ब कौन सा है? ये पुरंस पटाखे. पुरंस मतलब सेवन स्टार है, सात आवाज आती है. जब ये फूटता है इसमें से हंसी आती है, और ये दुखों का रावण देख रही ना, ये जल जाता है इस पटाखे से. हाँ. तो रावण को जलाते हैं. चलो 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 फोड़ फोड़. चलो बाबा, इस पूरन के पटाखे ने दुखों के रावण को जला दिया. अब अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे. शटर डाउन करते हैं. चलो कर लो शटर डाउन. आइए जानते हैं कि हमारे जजेस आपके साथ कौन सा फटाका फोड़ना चाहेंगे. जब परफॉर्मेंस में एफर्ट दिखने लगता है और ये दिखने लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं टू ट्राई एंड मेक इट फनी, देन इट फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमर, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन योर केस. सो जो तुम दोनों में हमेशा वो बहुत लाइव वायर एनर्जी होती है, वो इस बार मिसिंग था. हालांकि ये दीपावली का एपिसोड है, लेकिन थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग और जो वेरिएशन थी आपके स्क्रिप्ट में, दैट्स व्हाई आई एम गोना गिव यू 8 पॉइंट्स वंस अगेन. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्वप्निल एंड वीआईपी. थैंक यू जजेस, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच. सिंहासन ग्रहण कीजिए. टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर, कभी पूरंस हावी तो कभी सुमंस. नहीं, मेरे ख्याल से अभी हावी नहीं हुए हैं, और ये हमें इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी एक हावी वेट बाकी. कौन 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 कौन? हमारे हावी वेट को बुलाइए. कृष्णा और सुदेश. ओके, तो सुमंस के कृष्णा और सुदेश आ रहे हैं वापस,
और वापस आते ही क्रिसमस के दिन तारे जमीन पर की दर्शील टकरा गए हैं सांता क्लॉस से, दारा सिंह से, नहीं सांता से, दारा दा, ओके ओके आई एम कंफ्यूज, चलो खुद ही देख लेते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। अरे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुसन का आशिक हुसन का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से दूजा। बचना ए हसीनों। आप क्या देख रही हैं? मैं हसीनों की बात कर रहा हूँ। पंजाबी कट्टा। भाई बोझ बड़ा है, पहले इसको नीचे रखो। बारी बरसी खटरंगिया सी, खट के लिया बोझ, बच्चे मिलके ताली बजाओ, आ गया सेंटा क्लोज। सेंटा क्लोज। अरे आप लोग की तारी बजा रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे कुचों की नहीं। भाई बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बच्चे हमेशा ठीक ही कहते हैं। पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो? मैं हूँ सेंटा क्लोज, सेंटा क्लोज। लेकिन इतना क्लोज क्यों आ रहे हैं ऐसे? बड़ा बदतमीज बच्चा है। ओए बच्चों के टीनू आनंद, मैं तो भी पटका मार दूंगा। बच्चों के थप्पड़ मारने में मुझे भी आता है। ये क्या हो रहा है, हरकतों से तू लहरी लगता है, शक्ल से ये दांतों से टीनू आनंद, ये हाइट से लगता है आमिर खान। इसीलिए तो आमिर खान ने मुझे अपनी फिल्म में लिया, तारे जमीन पर। क्या है ना, दोनों की हाइट सेम है, उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं हुआ। ए, तुम गिफ्ट देने आए हो ना, चलो गिफ्ट दो। देख तेरा गिफ्ट मैंने बैक स्टेज पे रखा है, जाके ले ले। ना ना बैक स्टेज पे नहीं, बैक स्टेज पे बहुत अंधेरा होता है, और तुमको पता है ना अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। भाई कमाल है, भाई तू तो कभी बतलाता नहीं कि अंधेरे से डरता है माँ, अब क्यों बता रहा है? अरे वो तो मैं अपनी माँ को नहीं बतलाता ना, तू मेरी माँ थोड़ी है माँ। कभी ये कहता है माँ को बतलाता नहीं, कभी कहता तुझे सब कुछ पता है ना माँ, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। तेरी माँ कंफ्यूज नहीं होती, कौन है तेरी माँ? अर्चना जी से कंप्लेन कर दूंगा। कंफ्यूज आदमी, तुमने मेरी पिक्चर नहीं देखी क्या? तेरी फिल्म मैं घर पे बैठकर देख रहा था। थिएटर में क्यों नहीं देखी बुड्ढी के बाल? चलो मेरा गिफ्ट दो। बड़ा बदतमीज है, ये गिफ्ट लेके छोड़ेगा। जल्दी कहाँ है, खोल जरा जल्दी। वाओ अंकल, ये क्या है? ये बेटा मेरी रजाई है पर्सनल, कभी रास्ते में जरूरत पड़ जाए कौन जिम्मेवार है। ये ले, ये देख। हाँ गुरदास मान जी कहते हैं अपना पंजाब होवे घर दी शराब होवे। ये ले शराब, बच्चे को शराब पिलाता है? ये पीने के लिए नहीं, ये तोड़ने के लिए है, ताकि लोगों को पता चले भी शराब कितनी बुरी चीज है। हाँ। अबे लाल भैंस, मैसेज मत दे, गिफ्ट दे गिफ्ट। बहुत बदतमीज है, ज्यादा ही बेइज्जती कर रहा है मेरी, समझता नहीं है मूर्ख। ये ले मैं पंजाब से मूली लेके आया हूँ। मूली? ये कोई मामूली मूली नहीं है, जो इसको खा लेता है ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है, सब भाग जाते हैं, पकड़। हाँ तो ये मूली ना मैं अली और काशिफ को दे दूंगा, बकरा जो है पत्ते खा लेगा और अली मूली खा लेगा। पर मैंने उनके सारे प्रोग्राम देखे हैं, वो पक्के नॉनवेज हैं, ये नहीं खाएंगे। ये अंकल वो लोग बहुत शाणे हैं, वो इसको भी ना नॉनवेज बना के खा लेंगे। ये ले बेटा, ये डॉल है। डॉल? किसके लिए डॉल? ये शकील के लिए है। अरे अंकल शकील के पास तो पहले से इतनी ब्यूटीफुल डॉल है। पर इसकी एक खासियत है, ये बोलती भी है और हंसाती भी है। मैं बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, कई दिखाने लायक हैं, कई नहीं, भी कोशिश करूंगा। ये ले संतरे। ओ ये संतरे ना मैं राजीव निगम अंकल को दूंगा। सुन मेरी बात, उनको लड़की बनने का बहुत शौक है। सुनो ना, अरे मेरा मतलब है
इसका वो जूस पियेंगे, इसके छिलके इधर लगाने से कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है। अच्छा। कम से कम डरावनी औरत नहीं लगेगी। मुझे तो तुमने डरा दिया था। अंकल मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए मैं ये डीवीडी लेके आया हूँ, खास है। वाओ, डीवीडीज? आग फूंक सरकार राज फूंक। अरे अंकल ये क्या है, मेरे को चॉकलेट चाहिए। नहीं बच्चा, चॉकलेट मैं अच्छे बच्चों को देता हूँ, तुम्हारे जैसे गंदे बच्चों के लिए यही है। तो देखते रहो, रोते रहो। नहीं नहीं भाई, मुझे ज्यादा दांत मत दो, मैं अपने लिए भी कुछ लेके आया हूँ। क्या? ये देख। ओ वाओ, 10 नंबर। ये ना अंकल, मैं इनसे मांग मांग के थकी गया, इसलिए हमने पक्के बनवा लिए हैं। जहां भी जाएंगे साथ लेके जाएंगे, बेइज्जती बिल्कुल नहीं करवाएंगे, और मिलके सब आज यही गाना गाएंगे। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मई जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मई नकली नंबर अंदर रख दे असली नंबर ले। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मई जय सियाराम। क्या बात है कृष्णा सुरेश, क्या बात है। मस्त से दिस इज कॉल्ड कम बैक विद अ वेंजेंस। अर्चना जी क्या कहती हैं? बहुत अच्छा था वाकई, कम बैक है। इतने कम कम होके आए हैं इसलिए ये कम बैक है। लगता है अर्चना जी कि ये पूरंस पे जरा हावी हो सकते हैं, ये सुमन ने जो तीर छोड़ा है? तीर इन्होंने छोड़ा है, लेकिन जो टैलेंट है वो इनका थोड़ा है, नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्यूटनेस इन द एक्ट, और बहुत एक स्वीटनेस थी, काफ़ी सारे बहुत अच्छे सारे पंचेस थे। नॉट अ परफेक्ट एक्ट बट वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आई विल गिव यू लिटिल लेस देन सेंटर परसेंटा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। समवेयर आई फील कि अगर लाइंस थोड़े और ओरिजिनल होते, थोड़े कम फोर्स्ड होते, तो इट कुड हैव बीन अ 10/10 परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. A huge round of applause for Krushna and Sudesh, and welcome back to the show, guys. भाई आज शकी जी ने सुधरने का फैसला कर दिया है। जी हाँ, he has decided कि आज वो किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी को प्रपोज करेंगे। जी हाँ, तो प्लीज वेलकम मालकिन उर्वशी और नौकर शकील। ईद का दिन है, गले हंस के लगा कर मिलिए रश्मिद। सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आज गले मिल के गिले मिटाने का दिन है, पाउडर छिड़क के खुजली मिटाने का दिन है। मैं हूँ इस घर का नौकर, इस घर में रहती है हमारी मालकन जो बहुत है प्यारी, एक बहुत बड़ी है बीमारी। 11 महीने की तनख्वाह खा के बैठी हुई है मनहूस, देने का नाम नहीं ले रही। सोच रहा हूँ कैसे वसूल करूँ, शादी कर लेता हूँ, ऐसे तो मानेगी नहीं। और अब की ईद पे मैंने काम और किया, देखिए इतनी मेहनत से उसको जोड़ा चोरी करके ला के दिया है, और किसी मामूली औरत का नहीं, अर्चना पूरन सिंह का ला के दिया है तीसरी गली से। बस उसको पूरा आ जाए। आ गई, आ गई अब्दुल। हाँ अब्दुल जी। सुनो, मैंने तुम्हें ईद की सेवई देने के लिए कहा था अपनी सहेली को, दे आए? दे आया। हाँ। आपकी सहेली ठीक नहीं है। क्यों? मैं गया ना, मैंने बेल बजाई। हाँ। दो तो मिस बेल हो गई, तीसरे पे उसने दरवाजा उठाया, मतलब खोला, कह रही अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया, कहने लगी तुमने टाइटैनिक फिल्म देखी? मैंने कहा हाँ जी देखी है। कहने तस्वीर बनाने वाला सीन देखा है? मैंने कहा वो तो मैंने घिस दिया जी देख देख के, अब तो लगाता हूँ आवाज आती है शर्र, उसमें भी ढूंढ रहा हूँ तो शायद नजर आ जाए कुछ। कहने ये फोटो बना लोगे? मैंने कहा बना लूंगा, लेकिन दूसरे दिन मेरी फोटो ना जाए अखबार में। अच्छा, कहने नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बनाओ। अच्छा तो तुमने बनाई? नहीं नहीं उसको बनाना ही नहीं आता, तो सूट पहन के बैठ गई। मैंने कहा पहले खुद तो देख सही से। याय हाय, ईद मुबारक। क्या कर रहा है? गले मिल रहा हूँ। मुझे बुराई को गले लगाने का कोई शौक नहीं है। क्यों? मैं गले मिलते टाइम जेब काट लेता हूँ। और औरतों को कोई जेब काट सकता है? क्यों? पैसे ऐसी जगह रखती हैं। बटवे में रखती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। माशाल्लाह मेरे दिए हुए जोड़े में कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ। है ना? लेकिन पता, जब से ये जोड़ा पहना ना, तब से तबीयत कुछ अजीब सी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मैं ना किसी भी कमेडियन को देखती हूँ ना, तो उसे घर ले जाने का दिल करता है। वजह? बिना वजह। अच्छा अच्छा। और तो और
जिम में जाकर मर्दों के साथ कसरत करने को दिल करता है मेरा। पता, मैंने तो डिसाइड कर लिया। क्या बोलो बोलो? कि मैं अगले हफ्ते ना इस जोड़े को अपनी सहेली की शादी में पहनूंगी। कहाँ रहती है वो? यही तीसरी गली में। वहाँ मत जाना पहन के। क्यों? मेरी जिम्मेदारी नहीं, फिर जाओगी जोड़े में आओगी कैसे मुझे नहीं पता। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब इस फैक्ट्री की, जिस फैक्ट्री में ये कपड़ा बनता है ना, उसका मालिक उसी गली में रहता है। अच्छा? हाँ, उसको बर्दाश्त नहीं क्योंकि उसके फैक्ट्री के कपड़े पहन के घूमे गली में। रियली? हाँ। क्या नाम है उसका? नाम है उसका पूरन सिंह, और सिंह के माने तो शेर। जाएगी पहन के ऐसे पंजे मारेगा जगह जगह पे ना, तुझे पता लग जाएगा। सच? हाँ। इतना खूंखार, खतरनाक। हाँ जी, खंजर पे रख के रोटी खाता है वो तो। इतना बात। हाँ। नाम क्या है? शादी हो गई उसका? हाँ शादी हो गई, उसकी पत्नी का नाम है परमीत। क्या बकवास कर रहे हो? परमीत मर्दों वाला नाम है? हाँ है मर्दों वाला नाम, लेकिन काम सारे औरतों वाले करता है वो। उन्होंने खुद एक दफा मुझे बताया, सारे काम वही करता भाई। यार तुम्हारी बातें ना मुझे पागल कर देंगी। अब पागल नहीं हो ना, मेरे पास पैसे नहीं ठीक कराने के। क्या बोल रहे हो? बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। देखिए आज ईद का दिन है तो बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। मेरी अजीब कहानी है। मेरी पैदाइश से पहले तो मेरे माँ बाप मर गए। तो तुम कैसे हुए? मैं फिर खाला क्यों हुआ ना। तो मैं आपसे आपका रिश्ता मांगना चाहता हूँ अपने लिए। ए, चल चल। अरे तेरे मुंह का कुत्ता ना पालू मैं, समझा? पति तो दूर की बात है। एहसान फरामोश औरत, अल्लाह करे तेरी सेटिंग टीनू आनंद से हो, सारी जिंदगी पप्पी के लिए तरसे। शरीफ लोग हैं हम लोग, मेरे मुंह मत लग। शरीफ तो देखो, इसके घर डाकू आ गए। तौबा तौबा, पहले उन्होंने सामान लूटा, फिर क्या इसको छेड़ते रहे पौने दो घंटे। दूसरे दिन इसका अब्बा आया। अब्बा से कह रही, अब्बा डाकू ने मुझे बहुत छेड़ा। कह रहे तूने रोका नहीं? बोले नहीं मैं रोका तो बहुत। वो कह रहे नहीं हमने और जगह डाके मार रहे हैं, हम इसी काम में लगे रहे। बहुत बकवास कर दी तुमने। अरे तू मुझे दुआएं दे रही है? अरे तुम गरीबों के मुंह कौन लगेगा यार? क्यों, कीड़े शिफ्ट हो जाते हैं दांतों में। आए, अरे तुम गरीबों की लाइफ क्या है? क्या है? क्या है तुम गरीबों की लाइफ? क्या है? नदी में पैदा होते हो, नाले में मर जाते हो। वही नजदीक पड़ता है। अब मरने की जगह चौथी गली में जाए। अरे अरे बेर खा के सेब के मजे लेने वालों। आए अमीरो, पांच पांच साल से बाप दुबई में होता, पीछे से पैदा हो जाते हो। गरीबों, आबादी बढ़ाने वालों, तेरा सत्याने लड़ लिया ईद के दिन। हाँ देख शादी कर ले, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ना ना मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी के खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ है? मैं शादी के खिलाफ हूँ क्योंकि मेरी बहन का पति घर नहीं आता है। ए बेशरम औरत, पति उसका तेरे घर क्या करेगा भाई आके? अरे मनहूस जाहिल, मेरे घर नहीं मेरी बहन के घर नहीं आता है। अच्छा ये बात है, ये ताबीज ले, उसको पानी में घोल के पिला देना। शाम 7 बजे उसका पति घर आ जाएगा, और नहीं आया तो मर्द का वादा 7:15 बजे मैं पहुंचूंगा बस। कर ले शादी, खुदाई कसम 11 महीने की तनख्वाह मांग कर रोड पे ले आऊंगा। 11 महीने? अच्छा ठीक है, कबूल है। चल मैं, तू मेरे लिए क्या क्या कर सकती है, क्या क्या छोड़ सकती है? मैं ना तेरे लिए अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपने भाई, अपने बहन, सबको छोड़ सकती हूँ। क्या बात है। बस सिर्फ अपने पहले पति को नहीं छोड़ सकती। शादीशुदा है? और नहीं तो क्या अब्दुल, तुझे पता नहीं था? वो रात को जो आता वो पति है। मैं तो समझा चौकीदार है, प्यास लगती होगी, प्यास बुझाने आता है। बाकायदा शोहर है? हाँ शोहर है मेरे। अच्छा आपा, फिर जीजा जी को मेरा सलाम कहना है? मैंने तेरे पे पैसे भी छोड़े, तेरा घर भी छोड़ा, तेरी नौकरी भी छोड़ी, बाकी चीजें मैं बाहर जाके छोड़ता हूँ, वरना जजों के नाक के बाल जल जाएंगे। कहाँ जा रहा है? नंबर मत छोड़, नंबर ले ले पहले। नंबर ले लेते। आइए जानते हैं हमारे जजेस को ये नौकर और मालकिन की जोड़ी कैसे लगी। अर्चना जी, देयर वाज लिटिल लैक ऑफ पंचेस, आई थिंक इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। ये एक्ट अपने आप में एक साफ सुथरा एक्ट था, लेकिन फिर भी मुझे ह्यूमर की थोड़ी कमी नजर आई, सो आई वुड लाइक टू गिव यू एन 8 फॉर दैट। थैंक यू। 8 पॉइंट्स। ऑलराइट, अगेन अर्चना जी 8 पॉइंट्स। थैंक यू। और अब एक बहुत ही सीरियस त्योहार,
स्वामी आपकी उम्र मेरी शॉपिंग लिस्ट से भी ज़्यादा बड़ी हो, आपका बैंक बैलेंस मेरी डिमांड से भी ज़्यादा रहे और आप बिंगो हट के झटके प्रेजेंस कांटे की टक्कर में विजयी रहे। खरवा चौथ पर अपने भोले भाले पति राजेश को ऐसी ही दुआएं दे रही हैं उसकी दुखियारी पत्नी राजीव उर्फ रजनी। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश और राजीव। हेलो, हाँ सर, नहीं आज करवा चौथ है ना? नहीं, नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा है सर, वो तो पत्नी रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या सैलरी काट रहे हैं? नहीं सर, सैलरी मत काटिए, मैं आपको कैश दे दूंगा सर। हाँ, मांडवाली नहीं कर रहा हूँ, कैश पहुंच जाएगा। आ, आ। ना पीटे कि, किसको किसको कैश बांट रहे हो तुम त्योहार के दिन? है? है? कौन है करमजली जिससे फोन पे नैन मटक्का कर रहे हो? हम करवा चौथ का व्रत रखे, पता नहीं कौन कौन औरतें से बात करता है ये। अरे बॉस का फोन था। ये बॉस, तुम्हारा बॉस भी इतना नालायक है ना, कोनो दिन मिल गया तो बांस है बांस मारूंगी उसको। अच्छा भाई ठीक है, गुस्सा शांत करो, व्रत का दिन है। अच्छा सुनो, मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? हाय राम, इस आदमी को पता नहीं कितनी भूख लगती है। हम व्रत है सवेरे से काम कर करके परेशान होगा, फटके चार हो जाए। व्रत के बारे मुंह से फिचकुर निकल रहा है उसको परवाह नहीं है, जा किचन में कल की रोटी रखी ठूस ले। व्रत खुद रखती है और भूखे हमको मारती है। खबरदार, जो एक भी लफ्ज मुंह से निकल रहा है बजा देंगे। अरे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो हम, हमसे गलती हो गई है, हमको माफ कर दो। तो ये छू ही लिया हमको त्योहार के दिन। अरे हम नहा करके आए हैं भाई। अच्छा नहा के आए तो तुम्हारी गया करें, आरती उतारे तुम्हारी, नहा के आया। अच्छा तो ठीक है, अकेले मैं बड़बड़ाओ, हम जा रहे हैं। अरे अरे कहाँ मरने जा रहे हो? करवा चौथ का व्रत रखती और आदमी से कह रही है कहाँ मरने जा रहे हो? सवेरे से भूखे मर रहे हैं, कुछ फल फ्रूट मिठाई सिठाई लाए कि नहीं लाए? तुम हमको घर से बाहर निकलने दोगी तब ना? तुम्हें तो लग रहा था कि चांद दिन में ही निकल आएगा आज। हाँ, अभी तुम्हारी अम्मा को जुलाब आ जाए तो आधी रात में भाग जाएगा ये नंगे पैर दवाई लेने। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए फ्रूट ले आते हैं। अब रहने दो, जब मर जाए तब लेकर के आना हमारे लिए फ्रूट। व्रत के मारे गला सूख रहा है सवेरे से। अच्छा ठीक है, तो हम पानी लेकर के आते हैं। अरे पानी नास पीटे, व्रत तुड़वाओगे क्या हमारा? अच्छा अभी चांद निकला है देखो। बार बार यार बड़ी मुश्किल से चांद निकलता है, ये चांद भी बड़ा पॉलिसी करता है, ईद के लिए एक दिन पहले निकल आएगा और करवा चौथ के लिए फिचकुर छूटा जा रहा है मुंह से। ये बत्ती जलाओ जल्दी से। अरे हाँ हाँ पकड़ो। हाँ जल्दी जलाओ ये। अरे नास मिटाऊ, चार काड़ी बर्बाद कर दिया अगर बत्ती भी नहीं जलाता है। अरे हवा कितनी चल रही है देख रही हो तुम? हवा चल रही है, बस बुझाना आता है, जलाना नहीं आता है। अच्छा ठीक है, लो जल गया। खड़े रहो सीधे इधर। अरे खड़े तो है। जूता उतारा हो? काहे? आरती उतारनी है। हे चांद देवता, बड़ी शांति से व्रत रखा है तुम्हारा, बहुत मेहनत मशक्कत किया। हे चांद देवता, हमारी मुराद सुनो, हमको हमेशा सदा सुहागा रखो, हमारे पति की उम्र लंबी करो चांद देवता। हाँ चांद देवता, इसको सदा सुहागन रखो और हमको हमेशा के लिए विधुर बना दो। नास पीटे। आइए जानते हैं कि इतनी एक दूसरे से प्यार करने वाली जो जोड़ी है उनके बारे में अर्चना जी आपको क्या कहना है? आई फेल दैट द कॉन्ट्रास्ट बढ़िया था और स्क्रिप्ट में आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्क्रिप्ट, लेकिन देर वर कुछ पंचेस कम थे, सो ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ बैड परफॉर्मेंस बट नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अगेन जीटो, 8 points अगेन। ये सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा अब कंफर्टेबल औरत बन के हो या मर्द बन के? नहीं कि वो कंफर्ट लेवल मुझे तुम्हारा दिख रहा है जब भी औरत बनती हो। क्या कहती हो? बताओ ना, तुम और साड़ी
पहन के और दिन पे दिन जो निखरती जा रही हो और दिन पे दिन जिस तरह से बिखरती जा रही हो, मतलब आर यू कंफर्टेबल? नाउ गिव अ बिग हैंड टू राजू, राजू निगम, ही इज सो गुड, ही इज सो गुड. कैरेक्टराइजेशन अच्छा था लेकिन ह्यूमर की कमी थी. इस वजह से चूंकि इधर से ह्यूमर नहीं आ रहा था तो डिसबैलेंस्ड हो गया पूरा. इसलिए एट पॉइंट्स. थैंक यू सो मच. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश एंड राजीव. आज कृष्णा और सुदेश को वापस बुलाया शेखर ने, यानी अब जोड़ियां हो गई हैं पांच और इन सब में से विनर होगा सिर्फ कोई एक. लेकिन कौन, बहुत बड़ा सवाल है. वैसे इस बड़े सवाल के साथ एक बड़ी खुशखबरी भी है आज, और वो है कि आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा. आज से हर हफ्ते के मार्क्स जोड़े जाएंगे अगले हफ्ते में और दो हफ्तों के मार्क्स जोड़कर एलिमिनेशन होगा. लेकिन आज से इस टक्कर में कोई जीत का सिंहासन नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ टक्कर होगी. और अगले एपिसोड की टक्कर में यहाँ टकराने वाले हैं कई सारे जानवर. तो जानवरों के जज्बातों को नए रंग में देखने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली. मेरी तरफ से सोनी के तमाम व्यूअर्स को और कॉमेडी सर्कस के तमाम व्यूअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं.